तो दोस्तों रियलमी सी वन में कल मेरे को एक अपडेट मिला था जिसका साइज़ है 2 GB और वर्सन है 8.54। तो 8.54 वर्सन है और 2 GB का साइज़ है और ये मेरे को OTA के थ्रू मिल गया था। और इस मोबाइल पे मैंने कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप किया था, मेरे को ऑटोमेटिकली ये अपडेट आ गया। तो रियलमी टू में कल आपको दिखाया था, रियलमी टू में भी मेरे को 2 GB का अपडेट मिल गया, तो उसका भी वर्सन था 8.54। और फिर कल रियलमी सी वन में भी मिल गया। तो अब ये स्टेबल है या बीटा है का तो चल ही रहा है कंक्लूजन, तो अभी तक तय नहीं हुआ वो क्या है। दोस्तों तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा रियलमी सी वन में अपडेट होने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या मिसिंग है और इसमें क्या जीकेम सपोर्ट करता है। दोस्तों तो नए वीडियो में फिर स्वागत होते हैं, मैं नवीन देख रहे चैनल टेक्निकल एन बी। तो चलिए देख लेते हैं रियलमी सी वन का अपडेट के बारे में सारे डिटेल्स। तो दोस्तों ये आपका रियलमी सी वन, मेरे पास अपडेट तो आ गया, आ ही गया है। अपडेट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बट फोन में जाइए, RMX 1A11, एंड्रॉयड पाई वर्जन 6.0 और मेन जो चीज़ चेंज हुआ है यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 2019। तो पहले जो चीज़ चेंज हुआ है नोटिफिकेशन पैनल UI चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैनल है टोटली चेंज हो गया है। पहले कुछ अलग ही था, अभी कुछ अलग ही हो गया है यहाँ पर। और जो यहाँ पर यह का जो AI बोर्ड का जो यूजर इंटरफेस वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट थीम कुछ चेंज हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम स्टोर ऐड हो गया है। तो थीम स्टोर देखने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पे थीम स्टोर ऐड हो चुका है। तो रियलमी सी वन में आप थीम स्टोर यहाँ पे ऐड हो चुका है, कोई भी थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अगर इसको सिलेक्ट करना है तो मैं डाउनलोड बोल के अप्लाई करूँगा तो ये वाला चेंज हो जाएगा। तो थीम स्टोर काम भी अच्छा तरीके से कर रहा है यहाँ पर, अच्छे तरीके से थीम स्टोर काम भी कर रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो थीम स्टोर ऐड हो गया है, ये नया चीज़ है रियलमी सी वन के लिए। उसके बाद ऐप ड्रॉअर आ गया है। तो ऐप ड्रॉअर अभी तो ऐप ड्रॉअर यहाँ पर नहीं है, ऑन होने के बाद ऐप ड्रॉअर नहीं होता। तो सेटिंग्स में आप जाना होगा, सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाना होगा। उसके बाद होम स्क्रीन मोड में जाना होगा। होम स्क्रीन मोड के आपको स्टैंडर्ड मोड ड्रॉअर मोड मिल जाएगा। तो ड्रॉअर मोड के आप स्विच कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर पहले नहीं था, वो भी यहाँ पर आ चुका है ऐप ड्रॉअर। ऐप ड्रॉअर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और नेविगेशन गेस्चर में भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अगर आप गेस्चर में जाएंगे यहाँ पर सारे चीज़ आपको गेस्चर में ऐड होने को देखने को मिल जाएगा, जो कि लेफ़्ट राइट ये सारे चीज़ हो गया है। तो ये आपको गेस्चर में कुछ चेंज आया है यहाँ पर। और उसके बाद राइडिंग मोड ऐड किया गया है। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और स्मार्ट सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पर स्मार्ट ड्राइविंग, स्मार्ट असिस्टेंस वाला जो है स्मार्ट ड्राइविंग के अंदर आपको राइडिंग मोड मिल जाएगा। तो राइडिंग मोड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऐड हुआ है। और कुछ यहाँ पर लिखा भी नहीं है कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें रियलमी सी वन में जो मिसिंग है वो मैं बता देता हूँ। इसमें लॉक स्क्रीन मैगजीन ऐड नहीं हुआ, लॉक स्क्रीन मैगजीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हेल्थ थ्री सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हेल्थ थ्री सपोर्ट के लिए रियलमी टू प्रो में क्या होता है, डेवलपर ऑप्शन में जाके हेल्थ थ्री इनेबल करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको हेल्थ थ्री नहीं मिलेगा। और जीकेम आप इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बड़ा चेंज मिसिंग है रियलमी सी वन के लिए, हेल्थ थ्री भी नहीं है और लॉक स्क्रीन मैगजीन भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था रियलमी सी वन का अपडेट के बारे में डिटेल्स। मेरे को कमेंट पे बताइए आपको अपडेट मिला है नहीं मिला है, और अपडेट मिला भी है तो फॉर्म फिलअप करके मिला है या फिर विदाउट फॉर्म फिलअप करके मिला है, तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी मेरे को बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज इतना ही, बाय।